दोस्तों, मोदी सरकार के ऐलान के मुताबिक सवर्णों को मिलने वाला 10% आरक्षण का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका है, बस राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है। सवर्णों में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो आरक्षण के दायरे में आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आरक्षण के लिए जरूरी शर्तों पर खरा उतरना होगा। आरक्षण के लिए आपके पास कुछ खास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, नहीं तो आपको आरक्षण मिलने में दिक्कत आएगी। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे जो आरक्षण के लिए जरूरी है। इनकम सर्टिफिकेट। दोस्तों, सरकार की ओर से उन लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा जिनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है। इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। आमतौर पर इनकम सर्टिफिकेट तहसील से बनता है। तहसील के अलावा इन्हें जन सेवा केंद्र से भी बनवाया जा सकता है। इसे आप 50 रुपए की फीस दे के बनवा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों, आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र की भी जरूरत होगी। इसे भी स्थानीय तहसील या जन सेवा केंद्र से बनवाया जा सकता है। आमतौर पर सवर्णों को जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती। ऐसे में हो सकता है कि काफी लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट ना हो। बीपीएल कार्ड। दोस्तों, बीपीएल कार्ड यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन यानी ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, ये कार्ड उन लोगों का बनता है जो आर्थिक तौर पर एक निश्चित गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। बीपीएल कार्ड ज्यादातर सरकारी राशन डिपो या फिर ग्राम पंचायत की ओर से बनाया जाता है। पैन कार्ड। दोस्तों, पैन कार्ड आज के समय में सभी नौकरी और सेवाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्दी से इसे अप्लाई कर दें। शिक्षा और नौकरी में अब पैन कार्ड लगना अनिवार्य होता है। वैसे भी आप 50,000 के ऊपर की ट्रांजैक्शन करते हैं तो पैन कार्ड जरूरी होता है। इसे ऑनलाइन भी बनवाया जा सकता है। आधार कार्ड। दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पास पहले से ही आधार कार्ड हो, लेकिन जिनके पास नहीं है वो आधार कार्ड तुरंत बनवा लें। एक बात और, आधार कार्ड में नाम, पता, जन्म तिथि और पिता का नाम सब सही हो। अगर इनमें किसी तरह की गलती है तो नजदीकी आधार सहायता केंद्र में जाके ठीक करवा लें। जन धन योजना से जुड़ें। दोस्तों, पिछड़े सवर्णों को आर्थिक आधार पर नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण चाहिए तो जन धन योजना के तहत बैंक अकाउंट होना चाहिए। जन धन योजना के तहत उन्हीं खाता धारकों को लाभ मिलता है जो आर्थिक रूप में कमजोर होते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों, सवर्णों को आरक्षण का लाभ उठाना है तो इनकम टैक्स रिटर्न के कागजात अपने साथ रखने होंगे। फॉर्म 16 के जरिए आप इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि आपकी आय 8 लाख रुपए से कम है और आप आरक्षण के दायरे में आते हैं। पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। दोस्तों, आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पासबुक की कॉपी अपने साथ रखें। पासबुक के 3 महीने की स्टेटमेंट भी आपको दिखानी पड़ सकती है। इससे आपकी इनकम के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी आपके काम आ सकती है। तो दोस्तों, इन सब डॉक्यूमेंट के जरिए आप 10% का आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।